हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यम शिक्षा साधन ऑनलाइन क्लासेस। अब कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। देखो, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया था एक्सरसाइज 7A का कि पूरा कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन मुझे होमवर्क में बहुत सारे लोगों का नहीं मिला। मुझे लगा, फील हुआ कि ये कुछ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आप लोग उलझ रहे हो, यानी फंस रहे हो, तो सोचा कि आज वीडियो के जरिए इसको कंप्लीट कर दूँ। देखो बाबू, 17-20 नंबर क्वेश्चन में एक बताऊंगा सब बन जाएगा। ये देखिए, इसमें से कॉमन केवल लेना है। जैसे 17 नंबर क्वेश्चन है, AR+BR+AT+BT, इन दोनों में कॉमन क्या है? R कॉमन है, क्या बचेगा? A+B। R जब कॉमन ले लिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? T दिख रहा है, +T, क्या बचेगा? A+B। क्या हो जाएगा? A+B दोनों में कॉमन हो गया, क्या बचा? R+T। ये हो गया आंसर। ठीक, ये सब क्वेश्चन एक 20 नंबर भी देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन, ये आप समझ में आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, x²-xz+xy-yz। आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या कॉमन है। x कॉमन है तो x-z+y कॉमन है x-z। क्या लिखोगे? x-z(x+y). ये तो कट भी रहा था, सॉरी कट कहाँ रहा था, x-z(x+y). ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। अब यहां से यहां तक तो आप बड़ा आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। एक 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 यहां पे है B² और यहां भी है B। इसमें दोनों में क्या है? 2C कॉमन है, तो 6AB-B² + 12AC-2B। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया जाए? चाहे इसको ला के लिख देता हूं यहां पे, ताकि 6 कॉमन हो जाएगा और उसे उधर लेके चला जाऊंगा, चाहे यहीं से 6B मैं कॉमन लूं तो A-B बचेगा है? और यहां से मैं 2C कॉमन लूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते हैं, स्क्वायर दिया है, इसको इधर ला देते हैं, 6AB-, तो यहाँ पे B² AB, A² नहीं ना है, नहीं तो 2AB लिखा जा सकता था, -12AC-B²-2BC। इसमें से क्या कॉमन ले लूंगा? 6A कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा B-2A। ओके, 6 से कहो B-2C, अब हो गया। -B कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? B-2C होगा ना, तो ये कॉमन क्या हो जाएगा? B-2C (6A-B), ये हो गया आंसर इसका। ठीक, ऐसे ही आप इसे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये 25 बता दे रहा हूं। AB² + A-1 × B-1 मल्टीप्लाई कर लो ना, AB² + AB-B-1। क्या कॉमन लोगे? AB कॉमन लोगे तो B+1 बचेगा, -1 कॉमन लोगे तो B+1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? AB-1 और B+1, ये हो गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार से आप इस सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डालिए। मैं वीडियो के अब काम से फ्री हो चुका हूँ और स्टडी भी हो रहा है,
और साथ ही साथ आपको वीडियो और ये पीडीएफ के जरिए मैं आपका क्लास लूंगा। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।